नमस्कार, आप सभी को मेरा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राधिका है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्जरी आसन के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आसन के क्या बेनिफिट है, जो हम डेली बेसिस पे इस आसन को करते हैं तो हमें इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं, एंड ये बहुत ही ईजी आसन है जिसको हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इस आसन को कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस आसन को पूरी अच्छी तरीके से कैसे किया जाता है, इसका सही तरीका क्या है करने का। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन आसन है। ये हर कोई अपने योगा आसन के अंदर ऐड ऑन करते हैं एंड इस आसन को डेली बेसिस पे भी किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस आसन को हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस आसन को करना कैसे है, बाद में इसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजिशन में आएंगे इस तरह से, एंड इसके अंदर हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को वो पूरा आगे की तरफ लेके चले जाते हैं और फिर इस आसन को इस तरह से करते हैं। तो हमें हाथों को आगे की तरफ नहीं लेके जाना है, हाथ हमारे चेस्ट के जस्ट सामने की तरफ रहेंगे। इस तरह से हमें चेस्ट के जस्ट सामने की तरफ हाथों को रखना है, एंड हमारा जो पैर का जो मूवमेंट रहेगा यहाँ पर, जो पैर जो हमारा रहेगा वो 90 डिग्री एंगल पर रहेगा इस तरह से। और हमें हमारी जो कमर है वो एकदम स्ट्रेट रखनी है इस आसन को करते टाइम। एंड इसके अंदर जो आप सांसों का आपको ध्यान रखना है, आप अपनी बॉडी को जैसे आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करना है, अगेन वापस जैसे आप बॉडी को नीचे की तरफ लाते हैं सांस को आपको बाहर की तरफ छोड़ना है। तो इस तरह से इस आसन को हम कंटिन्यू करेंगे। यस, तो हम चेस्ट के पास अपने हाथों को लेके आएंगे, एंड काफ़ी लोग क्या करते हैं बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, हाथों को इस तरह से रखते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं रखना है, बॉडी को एकदम जितना हो सके टाइट रखें। हाथों को एकदम रिलैक्स करते हुए स्टार्ट करेंगे हम एक लंबी गहरी सांस लेते हुए। जैसे हम सांस लेंगे तो हमारा सर ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा जो पेट और हमारी जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ आएगी, अंदर की तरफ। अगेन स्टार्ट करेंगे इसको। यस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते हुए हमारे पेट को, हमारे चेस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगेन इस तरह से हमें करना है, सांस को होल्ड रखना है। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसमें हमें फील करना हमारे जो गले के अंदर जो खिंचाव हो रहा है उसको, साथ में हमारे जो पेट के अंदर जो हमें खिंचाव हो रहा है उसको। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से आपको बॉडी को रिलैक्स करते हुए, अब अगर जो आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे करना है आपको, जैसे आप अपनी सांस लेते हुए अपनी कमर को आप हमें ऊपर की तरफ ले जाना होता है, तो आप कोशिश करें ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएं, नॉर्मल ब्रीद इन करें एंड ब्रीद आउट के साथ। अगेन बॉडी को ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लेके जाना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट, जो अगर आपको सर्वाइकल का इशू है तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, इसमें आपको गर्दन को ज़्यादा मूवमेंट में नहीं लाना है, गर्दन आपकी नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट रहेगी और आपको पेट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अगेन अंदर की तरफ। इसको आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है, आपको ध्यान रखना है आप कोई नेक का मूवमेंट नहीं करना, यानी नेक को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं लेके जाना है। तो आपको इस तरह से इसको करना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए चाइल्ड पोज में आएंगे इस तरह से। जब भी आप कैट एंड काउ पोजिशन आप करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना अपनी बॉडी को लास्ट में रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप इस तरह से बॉडी को रिलैक्स करेंगे नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरह से आपको इसको कंटिन्यू करना है। अगेन हम रिलैक्स होकर अपनी मेट के ऊपर हम बैठ जाएंगे। अब हम इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। इसको आपको कंटिन्यू 10 से 15 बार एटलीस्ट आप इसको रोज़ करें, जिससे आपको ये बेनिफिट करेगा। अब इसके जो इसके लाभ है वो क्या क्या है, तो सबसे पहला इसका बहुत अच्छा लाभ है कि जो अगर आपकी पेट की जो चर्बी है उसको ये कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया कि पेट की चर्बी बहुत जल्दी बढ़ जाती है हमारी। एंड सेकंड, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर जो आपको कमर में दर्द है, अगर आपको सिर्फ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट जो अगर आपको सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके अंदर ये आपको बहुत हेल्प करता है। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पूरा पेट का ही रहता है आसन, हमारी जो मेरुदंड होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको ये सही रखने में भी हेल्प करता है।
तो इस आसन को आप डेली बेसिस पे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आसन है क्योंकि उनके मंथली जो पीरियड्स होते हैं उसमें इनरेगुलरिटी आ जाती है, तो उसके अंदर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट जो अगर आपको हार्मोन इनबैलेंस की आपको दिक्कत है तो उसके अंदर ये आपकी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट जो अगर आपको बार बार कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर भी आपको ये हेल्प करता है। आपके पेट के रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसको ये हेल्प करता है सही करने में। नेक्स्ट ये आपके शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शोल्डर को अच्छे से स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इसका बहुत अच्छा आसन है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि आपकी कमर की, आपकी अपर जो बॉडी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत हेल्प करता है। तो इसके बहुत ही इजी, ये बहुत ही इजी आसन है, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो आप इस आसन को कंटिन्यू डेली बेसिस पे कर सकते हैं। एंड जो लोग अपनी योगा जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इनको ये आसन जरूर डेली बेसिस पे करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो इसको आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। एंड जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।